चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं लाइव, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधन कर रहे हैं। बढ़ रहा है और विशेषकर अफ्रीका में जो एक नया वेरिएंट मिला है ओमिक्रॉन, उसके बारे में कई तरह के समाचार आपकी जानकारी में भी है। पिछले दिनों विशेषकर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लगातार पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और नवंबर में अगर हम देखें तो पिछले 15 दिनों में इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और चिंता की बात यह है कि भोपाल और इंदौर में, जबलपुर तीसरे स्थान पर है, अलग अलग लोकेशंस पर मिले हो, एक जगह नहीं मिलेगी कि एक ग्रुप में एक परिवार हो गया हो या कहीं एक संस्थान के लोग हो, वो अलग अलग स्थानों के हैं। टेस्ट हम लगातार कर रहे हैं लेकिन वो उनकी संख्या 50-55 हजार के आसपास है। मैंने बढ़ाने के निर्देश दिए, मैं बाद में जब बोलूंगा तब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन स्थिति कोई संकट आ गया ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन जितने भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो बढ़ते हुए संकट या आने वाले संकट की आहट के प्रतीक है। और इसलिए जरूरी है कि हम प्राणपण से पूरी सावधानी रखें। तो संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले जो आज की परिस्थिति है मध्य प्रदेश की कोरोना की और विश्व का परिदृश्य और इस तरह की आशंकाएं हैं, ओमिक्रॉन जो बढ़ रहा है यूरोप में, अफ्रीका में, उसके बारे में भी माननीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज के सदस्यों को जानकारी होनी आवश्यक है। मैं ACS सुलेमान जी से कहूंगा कि वो एक प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करें। प्रेजेंटेशन कोविड की रखा है, फिर जो हमारा ये नया वेरिएंट है उसके लेके आते सामान्य जानकारी के लिए और वैक्सीनेशन की, तो करीबन 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है। जो जैसे सर आपने कहा कि हमारे अभी टेस्ट जो है वो 50-60 हजार की रेंज में चल रहे हैं और सभी कलेक्टर्स इस VC में हैं, उन्होंने परसों भी उनको बात कही थी कि इसको हमको 70 हजार लेके जाना है और दोनों साथ में ये भी करना है कि 70 हजार करते समय हमको RAT की संख्या कम करनी है, RT-PCR की संख्या बढ़ानी है। RAT किट्स खरीदना हमने बंद कर दिया है, जो खरीदी थी हमने आपको दे दी, आगे आपको RAT किट्स मिलेंगी ही नहीं, तो हमको RT-PCR टेस्ट करना है। ये इसलिए जरूरी है कि RT-PCR में चूंकि मल्टी जीन टेस्टिंग है और एक S जीन सप्रेस होता है ओमिक्रॉन में, तो प्रथम दृष्टिया आंकड़ा खाली टेस्ट से ही लग सकता है कि कोई हमारा ओमिक्रॉन का केस तो नहीं आ रहा है, जिसको बाद में हम जीनोम सीक्वेंसिंग से कंफर्म करा सकते हैं। तो इसलिए हम RT-PCR की लक्ष्य हम बढ़ा के आपको आज जारी कर रहे हैं, उनका जिलों को उस हिसाब से टेस्टिंग करानी है। जो पिछले 7 दिनों में केसेस आए हैं उसमें भोपाल में 53 केस आए हैं, इंदौर में 48 केस आए हैं, रायसेन में 11 केस हैं, जबलपुर और नरसिंहपुर में भी कुछ केसेस आए हैं, तो 118 केसेस पिछले 7 दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और आपने जैसा नोटिस किया होगा मूलतः भोपाल और इंदौर में ज्यादा केस आए हैं। हमारा कोविड के पहले फेज का और दूसरे फेज का दोनों का अनुभव यही है कि केसेस पहले भोपाल और इंदौर में आते हैं, वहां से फिर बाकी जगह फैलते हैं, ट्रेंड हमेशा से यही रहा है। जो ओमिक्रॉन हमारा जो नया जो ट्रेंड है, पहले हमारे पास आपको पता है कि डेल्टा और डेल्टा प्लस पहले जनरेट हुए थे और डेल्टा प्लस के बाद ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है, इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। वो कहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, नॉर्मली वो ऐसा करते नहीं है, पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं और फिर जब उसमें फर्दर रिसर्च होती है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाते हैं। इस बार उन्होंने सीधे ही उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। वेरिएंट कंसर्न होने के 3 कारण होते हैं, या तो महामारी विज्ञान में कोई हानिकारक परिवर्तन हो
और जिससे उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, संप्रेषण क्षमता मतलब फैलने की कैपेसिटी बढ़ती हो, पहला कारण ये होता है। दूसरा, उसके ट्रांसमिशन होने पे, इंफेक्शन होने पे जो बीमारी के लक्षण है वो ज्यादा सीरियस आए, ये दूसरा कारण होता है, मतलब इंक्रीज इन वायरलेंस जिसको कहते हैं। और तीसरा, जो हमारे निदान के उपाय हैं जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग और ट्रीटमेंट दोनों पार्ट को कम करते हैं, उनकी अगर प्रभावशीलता में कमी आए, ये तीन शर्तों में कोई एक शर्त पूरी होती है तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करते हैं। और इसलिए इस बार उन्होंने WHO ने इसको नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाया है। ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का पहला केस 9 नवंबर 2021 को बोत्सवाना नाम के देश में आया, हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि इससे पुराना कोई केस यूरोप में रिपोर्टेड है, लेकिन अभी WHO ने उसको ऑफिशियली नहीं माना है। बोत्सवाना से 9 नवंबर से शुरुआत होके 15 दिनों में अफ्रीका के 15 देशों में उसका प्रसार हुआ, ज्यादातर अफ्रीकी, पूरे यूरोप में भी इसके केस मिलने लगे हैं, हांगकांग तक इसके केस हैं। और भविष्यवाणी यह है कि बहुत जल्दी इसका प्रसार जो है वो पूरी दुनिया में हो सकता है, चूंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। जो वेरिएंट है उसमें, जो ओरिजिनल वायरस है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाते हैं, तो इसमें म्यूटेशन की संख्या बहुत ज्यादा है, करीबन 52 म्यूटेशन हुए हैं। और उस म्यूटेशन से चिंताजनक बात यह है कि इसकी संक्रमण क्षमता बढ़ गई है, और उससे भी ज्यादा जो दिक्कत की बात लगती है कि हालांकि इस पर अभी 15 दिन में WHO फाइनल फाइंडिंग देगा कि पुराने बीमारी से जो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई थी, नए संक्रमण उसको बाईपास कर सकते हैं। ऐसे चांसेस हैं कि किसको पहले इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको इस नए संक्रमण के कारण दोबारा होने के संभावना भी है, हालांकि ये अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। और अगर संभावना बढ़ती है तो ऑब्वियसली फिर मृत्यु दर और बात सारी बातों में फर्क आने लगता है। तो जो सबसे ज्यादा मतलब जिस बात पर अभी लोगों का ध्यान है कि पुराने इन्फेक्शन को दोबारा आदमी इन्फेक्ट हो सकता है इस नए वेरिएंट के कारण। ये इस चार्ट में हमने बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से नया वेरिएंट फैल रहा है, साउथ अफ्रीका से शुरू होके लगभग पूरी दुनिया के हर तरफ इसके केसेस दिखने लगे हैं। आज की तारीख में देखें तो सबसे ज्यादा केस साउथ अफ्रीका में ही है, लेकिन बाकी सब जगह भी केसेस आने लगे हैं। और आप समझते हैं कि एक बार केसेस आने शुरू होते हैं और उसकी प्रसारण क्षमता होती है तो बहुत जल्दी वो बाकी लोगों में भी दिखने लगेगा। एक किसी वैज्ञानिक के अध्ययन का ये चार्ट है, उन्होंने ये अध्ययन करा और मॉडलिंग करके देखी कि इसका स्प्रेड कितना तेज हो सकता है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि ये अभी अनुमानित और प्रारंभिक अध्ययन है, अगले 10-15 दिन में पिक्चर इसकी और क्लियर होगी। अगर इस दृष्टि से देखें तो इसकी जो फैलने की क्षमता है वो डेल्टा वेरियंट से 500% है, मतलब उससे 5 गुना ज्यादा इसकी फैलने की कैपेसिटी है। कितना फैलता है नहीं फैलता, हमारा शरीर उसको कितना प्रतिरोधक क्षमता ला पाता है, ये डिपेंड करेगा अगले 15 दिनों में, ये स्टडीज से ये बात प्रमाणित होगी। बट प्योरली मैथमेटिकल मॉडलिंग ये कहती है कि 5 गुना तक ज्यादा डेल्टा से वो फैल सकता है। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अगर वो वाकई इस गति से फैलेगा तो उसके फैलने की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अर्थात एक साथ बहुत ज्यादा केसेस आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँ, इसमें कैच ये अभी इसको ये मैथमेटिकल मॉडल है, अल्टीमेटली 15-20 दिन बाद जब वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर लेंगे तो ही इसमें पिक्चर क्लियर हो पाएगी। जैसा मॉडलिंग ये कहती है कि 5 गुना तक ज्यादा डेल्टा से वो फैल सकता है, इसका एक अर्थ ये भी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, अर्थात एक साथ बहुत ज्यादा केसेस आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँ, इसमें कैच ये अभी इसको ये मैथमेटिकल मॉडल है, अल्टीमेटली 15-20 दिन बाद जब वैज्ञानिक लोग अध्ययन कर लेंगे तो ही इसमें पिक्चर क्लियर हो पाएगी। जैसा मैंने कहा कि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, ये पता है कि उसमें 50 परिवर्तन है। दूसरी बात ये तय है कि अभी भी इसको हम RT-PCR टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई नया टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, RT-PCR टेस्ट ही करना है। और उसमें 3 में से चूंकि एक जीन सप्रेस हो जाता है तो प्रथम दृष्टिया उससे पता चल जाता है कि वो वेरिएंट तो नहीं है, और बाद में हम उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करा सकते हैं। जो 2 डर है वो मैंने बताया पहले कि इसमें पुनर्संक्रमण का खतरा है और साथ में इसके फैलने की क्षमता ज्यादा है। ये तय बात है कि कोई भी वेरिएंट हो, वैक्सीन
उसके उसकी प्रभाव की क्षमता उसके प्रभाव को कम करता है। मतलब अगर इस वेरिएंट से भी इन्फेक्शन होगा तो भी वैक्सीन उसमें मददगारी होगी, इसलिए वैक्सीन की दो खुराक अनिवार्य करना जरूरी है, क्योंकि वो एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन है किसी भी वेरिएंट से होने वाले काम के लिए। इस दृष्टि से अगर हम मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन की स्थिति देखेंगे तो हमने प्रथम डोज 93% पॉपुलेशन को लगाया हुआ है 18 साल से अधिक आयु वर्ग के, और द्वितीय डोज अभी 64% को लगाया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हुए हैं कि अपने को 26 दिसंबर तक द्वितीय डोज पूरा करना है। दो एक दिन पहले कलेक्टर से इस बात पे चर्चा भी हुई है और आज एक महाभियान है। हम लोग महाभियान वैसे जो हमने प्लान किए हुए थे उसमें आज अंतिम था, लेकिन हमको महाभियान आगे भी कुछ और लेने पड़ेंगे ताकि हम इस सेकेंड डोज के टारगेट को पूरा कर सकें। दिसंबर की महाभियान की तारीख तय करके सेकेंड डोज के टारगेट को पूरा करना है। जी सर, वो आज हम तय कर लेंगे सर। और ये तय बात है कि अगर हमको वैक्सीन लगानी है उससे अगर हमको वायरस का प्रभाव होगा भी तो प्रभाव कम आएगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ेगी, इसलिए वैक्सीनेशन अत्यंत ही आवश्यक है हमारे लिए। जो ये जिलेवार स्थिति है, बहुत सारे जिले हैं जिनमें बहुत अच्छा 90% से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है, कुछ जिलों में अभी भी कमी है। सीधी, पन्ना, भिंड, अलीराजपुर, मंडला ऐसे जिले हैं जो 90% से कम है, उनको कोशिश करना चाहिए। हालांकि फर्स्ट डोज में अभी उनकी कुछ कमियां बची हैं, अगर उनको अभी भी प्रयास करना चाहिए, अगर उनके तरफ से अगर लोग हैं ही नहीं तब तो कुछ नहीं कर सकते, बट अगर हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम उनको फर्स्ट डोज लगा सकें। सेकेंड डोज में जरूर कुछ जिलों को बहुत काम करने की जरूरत है। जो हमारे बड़े जिले हैं वो बहुत बेहतर स्थिति में है। इंदौर में 85% में सेकेंड डोज लगा हुआ है, खंडवा ने बहुत ही अच्छा काम किया है, 79% को सेकेंड डोज लगाया है, भोपाल में भी लगभग 78% सेकेंड डोज, जबलपुर 77%। तो बड़े जिलों में वैक्सीनेशन का काम अच्छा हो गया है, लेकिन बहुत सारे जिले हैं जिनमें अभी काम में सुधार लाने की जरूरत है, स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, और यही एकमात्र सुरक्षा होगी हमको अगर इन्फेक्शन होता है तो, इसलिए सेकेंड डोज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट समूह के लोगों से हमारी अपील है, सबसे जरूरी बात यह है कि हम किसी भी तरह से दिसंबर माह तक वैक्सीन की सेकेंड डोज लगा के पूरा करें। जो जैसा मैंने आपको ट्रेंड बताया और जो हमारा पिछला अनुभव बताता है, अगर ओमिक्रॉन वाकई अपने देश में, हालांकि अभी कोई केस रिपोर्टेड नहीं है, अगर आता भी है तो हमको करीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलेगा जब तक उसका इन्फेक्शन बढ़ने की स्थिति आएगी, अर्थात जनवरी या फरवरी में केसेस बढ़ सकते हैं। अगर हमने दिसंबर तक अपना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लिया तो इन्फेक्शन के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और हमारी डेथ रेट जो है वो कंट्रोल रहेगी। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस महीने में अपना सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लें। मध्य प्रदेश का मॉडल है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ काम करने का, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा पहले भी सहयोग दिया है, उसी सहयोग की हम फिर से अपेक्षा करते हैं। और दूसरी बात, हम वायरस के फैलने को रोकने के लिए जो प्रिकॉशन है वो अभी भी वही है जो पहले थी, टीकाकरण ऑब्वियसली ताकि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना हो, फिर साथ में हम अवॉइड करें बंद कमरे के आयोजन, हवादार कक्षों में आयोजन करें, सोशल डिस्टेंसिंग जहां तक हो सके उसका पालन करें, अनावश्यक भीड़भाड़ वाली जगह में ना जाएं, मास्क के उपयोग को फिर से प्रमोट करें, रोका टोकी करें और लोगों को कहें कि मास्क लगाना उनके हित में है, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ की स्वच्छता का बार बार ध्यान रखें। जो हमारी टेस्ट आइसोलेट ट्रीट की जो स्ट्रेटजी थी उस पर काम करें, 70,000 जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं टेस्ट, जिसको जिलावार हम टारगेट देंगे उसको टेस्टिंग को करें, और जो केस निकलते हैं पॉजिटिव इस बात की चिंता किए बिना कि वो ओमिक्रॉन है कि नहीं, उनको हम आइसोलेट करें। और आइसोलेशन के लिए भोपाल और इंदौर में तो हम इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन पे ध्यान दें, अर्थात हम अपने अस्पतालों में ऐसी व्यवस्था करें, जीनोम सीक्वेंसेस को बढ़ावा दें मेडिकल कॉलेज के साथ मिलके, और साथ में जहां भी कोई क्लस्टर डेवलप होता है उस पर भी ध्यान रखें। ये प्रभाव को रोकने के हमारे सुझाव हैं। सर ये बात, अब सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्यगण हैं, और जो यहां मौजूद ना हो
उन तक भी मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंच रही है। देखिए, हमने दो संकट और विशेषकर दूसरा संकट का बड़ा भयानक दौर झेला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर संकट में देश का नेतृत्व किया है और समय रहते ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको सारी सावधानियां रखने का हम लोगों को भी निर्देश दिया है और सीधे जनता के बीच भी उन्होंने क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये मैसेज किया है। अब ये सही समय है कि हम आज ही चेत जाएं। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, जनता का नेतृत्व करते हैं। अगर आज हमने सावधानी नहीं रखी तो परिस्थितियां फिर बहुत संकटपूर्ण हो जाएगी। मेरे मित्रों, मैं किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बने, काम धंधे उजड़ जाए और जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजरे। और इसलिए उपाय है हमारे पास, हम आज से ही सावधान हो जाएं। मैं चिंतित हूं, मैं सच आपको बता रहा हूं। कल मैंने भोपाल के साथ बैठक की, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे अभी मिल रहे हैं वो ओमिक्रॉन नहीं है, लेकिन अभी एसीएस ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने किया ओमिक्रॉन के बारे में, अगर वो 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट हुआ, उसमें बार बार परिवर्तन 50 के आसपास हो चुके हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम तमाम व्यवस्थाएं करने के बावजूद भी अगर संक्रमण तेजी से फैला तो हम क्या करेंगे। मैं कोई असहाय नहीं हूं, सारी सावधानियां और व्यवस्थाएं करने के मैंने निर्देश दिए हैं। और आज आपसे भी कह रहा हूं, संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण अस्पताल जाएंगे, देखेंगे वहां व्यवस्थाएं, सारी सावधानी रखनी है। अस्पताल, अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन की लाइन, कंसंट्रेटर, दवाइयों की व्यवस्था, आज ऑक्सीजन प्लांट को भी चला के देखना है, तो ऑक्सीजन प्लांट चला के देखना है ताकि वो ठीक से चल रहे कि नहीं चल रहे। और नहीं पता चला कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे काम ही नहीं कर रहे हैं, और इसलिए मैंने आज निर्देश दिया है कि इस बैठक के बाद, चर्चा के बाद, अधिकारीगण भी और जनप्रतिनिधिगण भी अस्पताल जाएंगे। मैं एक क्षण का विराम अभी दे रहा हूं और फिर मैं मेरी चर्चा जारी रखूंगा। के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जाएगा अस्पतालों में, आप तय कर लीजिए समय कोई आसपास भी हो सकता है, और हमारी सारी व्यवस्थाओं का एक बार हम अवलोकन करेंगे। मित्रों, कुछ चीजें
देखिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की पूरे देश में चर्चा हुई, इवन दुनिया में चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश ने केवल शासन के साथ नहीं जनता को साथ लेके, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को साथ लेके कोरोना को कंट्रोल किया है। सेकेंड वेव में अगर हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सक्रिय ना होती तो परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती। मैं कलेक्टर्स को यह निर्देश भी दे रहा हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरे सम्मान के साथ सक्रिय करें, सबसे संवाद करें, चर्चा करें, बातचीत करें और नीचे तक सबको, निचले अमले को, प्रशासन को निर्देश देके पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को हम फिर से सक्रिय कर पाए। कोई नाम जोड़ना तो जोड़ लीजिए, धर्मगुरु रहे, समाज सेवी रहे, जनप्रतिनिधि रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत और परिश्रम किया है तो वो सब रहेंगे ही, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के मित्र भी सक्रिय रहे। ये मिलकर काम करने का समय है, इसलिए हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को पूरी क्षमता के साथ, क्योंकि बीच में थोड़ी सक्रियता नहीं थी तो ढिलाई आई होगी, उस कमी को भी पूरा करना पड़ेगा। ये फॉर्मेलिटीज ना रह जाए, हो सकता है मैं फिर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात करूं, ये सक्रियता आप सुनिश्चित कर लें। और कुछ चीजें मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं जो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पताल के बिस्तरों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमारी भरसक कोशिश ये रहेगी, लेकिन सावधानी का मतलब सबसे पहला टेस्ट, 70,000 टेस्ट होना आप जिलों को आवंटित कीजिए और जिलों को वो टेस्ट करने होंगे। और मैं क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से अपील करता हूं कि टेस्ट करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। मैं स्वयं हर सप्ताह टेस्ट करवाता हूं, इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि टेस्ट से ही तो तत्काल पता चलेगा, पता नहीं क्या वो कैरियर बनकर घूमता रहा तो कई को संक्रमित कर देगा। जैसे भोपाल में कई लोग के संस्पर्श लोग आए हैं जो पॉजिटिव है, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो भोपाल में चारों तरफ फैलेगा। और फिर ये बात सही कही है सीएस ने, भोपाल भोपाल इंदौर इंदौर से आसपास, वही कहानी है जो पहली बार हमने देखी दूसरी बार देखी, भोपाल इंदौर जबलपुर, फिर यही शहर विस्तार का कारण बनते हैं। और इसलिए टेस्ट कराना ही है ताकि अगर है तो तत्काल पता चल जाए, और टेस्ट के बाद जो प्रक्रिया है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो अभी संख्या बहुत कम है, होम आइसोलेशन अगर पुख्ता हो सकता है तो ही होम आइसोलेशन की बात करें, घर में कमरे ही नहीं है अलग रहने के लिए और कहो होम आइसोलेट कर दिया तो ये बिल्कुल नहीं होगा, फिर अस्पताल ले जाए, नहीं तो पूरे घर को संक्रमित कर देंगे। और जो घर जहां पॉजिटिव आ जाए वो पूरी तरह से कंटेन कर दिया जाए, उसको अलग थलग करना वहां चिपका दो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आसपास के लोगों को सावधान कर दो कि यहां कोरोना का पॉजिटिव केस मिला है, पेशेंट मिला है, लेकिन संक्रमण ना फैले इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो बहुत आसानी से की जा सकती है, वो है मास्क लगाना। मैं आप सबसे भी प्रार्थना करता हूं, विशेषकर हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, कि आप मास्क लगाएंगे तो लोग आपको देख के लगाएंगे, पर हम ही नहीं लगाएंगे तो हम बाकियों को क्या सिखाएंगे। और इसलिए हम अपील भी करें, मैं भी मास्क लगवाने निकलूंगा लोगों से, आप भी जहां जाएं मास्क साथ रखें और लोगों को लगाने का आग्रह करें, क्योंकि मास्क से संक्रमण का बचाव 90% के आसपास, अगर मास्क लगाए तो 90% संभावना कम हो जाती है कि हम संक्रमित होंगे दूसरे से, इसलिए मास्क के फायदे ही फायदे हैं। इसलिए टेस्ट करवाना, मास्क लगवाना, टेस्ट के बाद घर में अगर जगह उपयुक्त पाई जाती तो ही घर में रह गए, नहीं अस्पताल में ले जाना,
और कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाना, कंटेनमेंट घर को बना दो, बस ये इस घर के आसपास भी यार दिक्कत है। वो हमको बहुत जरूरी लगता है, फिर ट्रीट करनी है, इलाज की व्यवस्था हम करेंगे ही। तो मुझे लगता है ये चीजें आज हम कर लेंगे तो इतनी तेजी से नहीं फैलने देंगे। अब अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा, तो उसके हिसाब से हमको सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और फिर जो एक बात और मैं दोहरा रहा हूं बार बार, हम सबका परम कर्तव्य है कि हम फर्स्ट डोज लगभग पूरा हो गया है, कुछ जिलों में 90 से कम है, वो 90 तक तो पहुंच रही है, एकदम नहीं है अलग बात है, लेकिन घर घर 10 तक। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों को भी अपील करना चाहता हूं, आज मैं कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में जा रहा हूं, मैं कुछ घरों में जाऊंगा, कहूंगा कि सेकेंड डोज लगवाया कि नहीं लगवाया, आपको 10 तक देना है प्रेरित करने के लिए। एक मास्क के लिए सड़कों पर उतरे, दूसरे टीके के लिए सड़क पर उतरे। आज महाभियान है, आगे भी महाभियान के कदम हम 150 अभी तय करेंगे, लेकिन मित्रों ये स्थापित तथ्य है कि अगर आपने दोनों डोज लगवाए हैं तो संक्रमण से लड़ने की क्षमता शरीर में पैदा होती है, संक्रमण होगा भी तो उतना गंभीर नहीं होगा। मतलब टीका लगाना लोगों की जिंदगी बचाने का काम है, अब इससे पवित्र काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं भी आग्रह करूं, आप भी आग्रह करो, और दिसंबर में जैसी आशंका है क्योंकि ओमिक्रॉन तो फैल रहा है, हम तो जो देख रहे हैं आंखें बंद करके कैसे बैठे, हम शुतुरमुर्ग की तरह थोड़ी हो सकते हैं कि रेत में मुंडी का पौ गड़ा ले और कहेंगे अभी तो नहीं है हमारे यहां, अभी तो नहीं है हमारे यहां। जो संभावना है दुनिया के कई देशों में फैल गया, ये आ गया तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम टीके के दूसरा जो डोज है वो किसी भी हालत में दिसंबर में कंप्लीट करना, और दिसंबर का 31 दिसंबर का इंतजार नहीं करें हम। इंदौर ने 85% कर लिया तो 2 दिन में खत्म करे, 3 दिन में खत्म करे, जिन जिलों ने अच्छा काम किया वो फटाफट खत्म करे इसको, ताकि हम शरीर को इस लायक बना सके लोगों के उसका इतना असर ही ना हो कि अस्पताल जाना पड़े। और जो पीछे रह गए उनमें कमिश्नर, कलेक्टर, प्रभारी अधिकारी, उस क्षेत्र के विधायक, माननीय सांसद और बाकी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर घर घर दस्तक दो भाई। मेरे लिए सेकंड डोज से बड़ा कोई काम नहीं है आज की तारीख में, और इसलिए उसको पूरा किसी भी हालत में कीजिए। मैं भी करूंगा, आप भी करें, बाकी सब कामों में से टाइम निकाल के बाकी सारी व्यवस्थाएं करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो सावधानियां वही है जो पहले थी, मास्क लगाए, दूरी है। देखिए हम किसी चीज पर भी प्रतिबंध नहीं लगा रहे, केवल बच्चों के स्कूल जाने पे हमने 50% संख्या की है क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी है और कुछ जगह बच्चे संक्रमित हुए, इसलिए वो 50% मतलब दूरी बना के स्कूल जाएंगे। लेकिन हमको अभी प्रतिबंध में लगाना भी नहीं चाहता, लेकिन सावधानी रखवाना चाहता हूं, बंद हॉल में ज्यादा लोग ना हो ये सावधानी रखे, क्योंकि एक भी रहा और सांस निकली उसकी और एकदम बंद रहा तो वो फिर संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। शादी विवाह हो, बाजार जाए, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भीड़ से बचे अनावश्यक। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आज भी शुरू हो जाए कि दुकान पे अगर सामान लेना है तो झुंड में ना लें, एक के बाद एक लें। ये एजुकेट करना पड़ेगा हमको, संक्रमण का प्रसार ना हो इसलिए। तो जो गोले बनाने का काम है, दूरी रखने का काम है, आए जाए, लेकिन वो करना पड़ेगा हमको, नहीं करेंगे तो हम संकट में फंसेंगे भाई। हाथ साफ करने की आदत हमारी होनी चाहिए हमेशा,
धोने की भी और सैनिटाइज करने की भी। ये अनावश्यक भीड़ भाड़ से बच के मास्क लगा के और सावधानियां रख के हम बड़े संकट से बच सकते हैं। सब ये भी सुनिश्चित कर लें कि हमारे अमले को ट्रेंड कर ले, वैसे तो ट्रेंड है लेकिन अगर आ गई लहर तो फिर कौन कौन सी ट्रेनिंग जरूरी है हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की उसको ढंग से करवा के रखिए। अभी बच्चों के बाद और बाकी सब चीजें ढंग से देख लीजिए, दवाइयों का स्टॉक उसमें की कमी नहीं आने देंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेके जितनी चीजें कोई मारामारी ना मचे पहले से व्यवस्था करके करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है, एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट हो, एस्कोब्रिक विटामिन सी की जो है वो, सिट्रीजीन टेबलेट मल्टीविटामिन, पैरासिटामोल, रेनिटिडीन टैबलेट, जिंक, ये उपलब्धता है हमारे पास। लेकिन ये सब जगह हो आवश्यकता पड़े तो उसको सुनिश्चित कर लें। तो बाकी तरह के इंजेक्शन और व्यवस्थाएं भी उनकी भी व्यवस्था करके रख रहे हैं। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन भी अभी 1,36,000 वॉयल हमारे पास है, लेकिन और का भी इंतजाम करके रखें ताकि जरूरत पड़े तो टाइप ठीक से हो जाए, हमको दिक्कत ना आए। ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर की व्यवस्था है, वो भी हम चार्ट चौबंद रखें। वैसे तो हमारी ऑक्सीजन की हमारे जो प्लांट्स है उनसे क्षमता हमने काफी बढ़ाई है, हमने अभी 178 पीएसए प्लांट लगवा क्रियाशील किए हैं। आज आप लोग जाके देखोगे उनका परीक्षण करोगे, 148 अभी चालू है, 148 उनमें से चालू है, बाकी को भी ट्रायल में मॉकड्रिल चालू है। लेकिन आप लोग भी जाकर देखें तो मुझे लगता है उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ऑक्सीजन लाइन अच्छा, उसमें ऑक्सीजन गैस की शुद्धता देख लें, कलेक्टर्स खुद देख लें जो ऑक्सीजन आ रही है वो एकदम शुद्ध है कि नहीं। कई बार पता चला ऑक्सीजन तो आ रही है लेकिन पूरी तरह से वो मनुष्य के उपयोग की नहीं है, तो उसकी शुद्धता भी आप लोग देख लें। ऑक्सीजन लाइनों में लीकेज ना हो, ये बहुत सावधानी की बात है कि ऑक्सीजन लीक होती है तो आग लगने के खतरे और तमाम खतरे बढ़ते हैं, उसको भी आप सुनिश्चित कर लें। और अग्निशमन उपकरणों की, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है तो आग लगने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ती है, उसको भी आप लोग कर लें। और जितना भी मानव संसाधन हमको अस्थायी रूप से भी जरूरत पड़े तो उसकी तैयारी भी हम करके रखें, उनको फिर से प्रशिक्षण, रिफ्रेशर प्रशिक्षण वो दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट को देखते हुए अगर कुछ नया प्रशिक्षण देने की जरूरत है तो उस प्रशिक्षण को भी हम लोग करने का काम करें। तो व्यवस्थाएं हम सब कर रहे हैं, ये सबसे पहली चीज है कि हम लहर आने ही ना दें। और इसलिए मैं पूरी चिंता से स्वयं भी काम करूंगा लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज खुद भी काम करे, और इस बैठक के अलावा कलेक्टर्स उपयुक्त समय पर प्रभारी मंत्रियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से अपने जिले के बारे में विस्तार से चर्चा कर लें, क्योंकि ये तो मेरा मैसेज गया है। लेकिन आप ढंग से और उसमें समाज सेवी, धर्मगुरु सब जोड़ लीजिए, जन अभियान परिषद को जोड़िए, एनएसएस को जोड़िए, एनसीसी को जोड़िए, स्वयं से भी कार्यकर्ता निकालिए, अलग अलग समाजों के लोगों को जोड़िए, क्योंकि लड़ाई अगर लड़नी पड़ी तो सबके साथ लड़ना पड़ेगा हमको। तो एक बैठक और अलग अलग तिथियों में हो जाए, आपके प्रभारी मंत्री से बात कर लीजिए, आप प्रभारी अधिकारी भी उसमें मौजूद रहे, वर्चुअल रहे भले, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को वास्तविक रूप से सक्रिय कीजिए,
क्योंकि टीका में भी वो काम आएगी, मास्क लगवाने में भी काम आएगी, और बाकी फिर अगर हमको मुकाबला करना पड़ा तो हर परिस्थिति का मुकाबला भी वो करेगी। मित्रों, मैं इतनी आग्रह करना चाहूंगा कि बड़े संकट से उबर के अर्थव्यवस्था पटरी पे आई थी, लोगों के काम धंधे चालू हुए थे, अब वो फिर से हमें बंद नहीं होने देना है। इसलिए आज से इसी क्षण से आपको काम प्रारंभ करना है कोरोना के खिलाफ। दोहराने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने से लगा के टीकाकरण करवाने तक, और फिर आप सब लोग समय निकाल के अस्पतालों का निरीक्षण करें, मंत्रीगण करें, विधायकगण साथ में करें, सांसदगण हैं तो अभी संसद चल रही है इसलिए उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तो करके सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। मेरा विश्वास है कि हम लोग सावधानी रखेंगे तो हम लहर नहीं आने देंगे। आओ इस बार तय करें, संकल्प करें, अपन अपनी जनता के साथ मिलकर हम लहर को आने नहीं देंगे, हम पूरी सावधानी रखेंगे। ये चुनौती है, चुनौती स्वीकार करो। और मैं सबसे पहली चीज मैं मीडिया के मित्रों को भी कह रहा हूं कि वो भी अपने प्रसारण में, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, बार बार जनता को एजुकेट करके सावधान करवाएं। हम यही संकल्प लें कि हम किसी भी हालत में तीसरी लहर को आने से रोक देंगे। ये किया तो मेरे पुण्य का काम होगा, प्रदेश को हम ठीक से सुरक्षित रख पाएंगे। तो मैं भी इस काम के लिए निकल रहा हूं, आप भी निकले, सब काम करते हुए सावधानी के जितने उपाय है वो उपाय हम करवाएं, उसका हम नेतृत्व करें और व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें ताकि किसी भी संकट से मुकाबला किया जा सके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती यही है कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे। इसके लिए सारी सावधानियां जो बताई है प्रेजेंटेशन में और मैंने, उन सब सावधानियों को करें, वो सब सावधानियां रखें और रखवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।